अस्सलाम वालेकुम कंसीरियन, मैं हूं आपका अपना स्टॉलचर मोहम्मद सत्तार बाकर। अगस्त 2021 की मंथली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए मालूमाती साबित होगी। बुर्ज सरतान वालों के लिए अगस्त 2021 बहुत अच्छा और माने खेज साबित होगा, क्योंकि इस माह जोरा 17 अगस्त तक आपके चार्ट के तीसरे घर में रहेगा। इस दौरान में ऐसा मालूम होता है कि कोई रिश्तेदार इस माह के दौरान किसी वक्त सैर तफरी और खुशी का मौका फराहम करेगा। शायद किसी ऐसे रिश्तेदार से मिलने का भी मौका मिलेगा जिससे मुलाकात हुए अरसा हो चुका है, या फिर किसी रिश्तेदार की जिंदगी में खुशगवार नोयत के वाकया रूप जीर होंगे, यानी कोई ऐसी बात होगी जो खुशी और तकरीब का मौका फराहम करेगी। अगर हाल ही में करीबी रिश्तेदारों या पड़ोसियों या करीबी अफराद से इख्तलाफात पैदा हुए हैं तो इन्हें दूर करने में भी जोर आपकी भरपूर मदद करेगा और माहौल में अमन व सुकून और हम आहंगी पैदा करने में भी इंशाल्लाह मदद देगा। इस दौरान में इख्तलाफात और इसी नौयत की दूसरी मुश्किलात अब इंशाल्लाह जल्द दूर होने लगेगी। जोरा जो कि 6, 11, 16, 20, 31 तारीख को सैर नजरा कैम करेगा, लहजा इन दिनों सैर तफरी या किसी शादी में शरीक होना या अपने शरीके जिंदगी के साथ सफर करने में इंशाल्लाह खुशगवारी पैदा होगी। अगस्त में शम्स ज़ुल का मुकाबला भी होगा। इस वक्त लोग जायज व नजायज किसी भी तरीके से रुपया हासिल करने की कोशिश करेंगे और आप पर मुख्तलिफ तरीके से दबाव डालेंगे। रुपये के हसूल के लिए मुश्किलात भी रहेंगी, ताहम गैर इरादी तौर पर भी रुपया आपको इंशाल्लाह मिलेगा। वो अफराद जो कारोबारी दुश्मनी रखते हैं उनके साथ कोई झगड़ा इस वक्त में हरगिज़ ना करें, क्योंकि कानूनी मामले आपके खिलाफ हो जाएंगे। 11 अगस्त को अतारद मुश्तरी का मुकाबला होगा। इस वक्त में सामाजिक सरगर्मियों में हिस्सा लेकर कई तरह की आप मालूमात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो दोस्त मिलेंगे या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपके साथ रुपये के मामलात में दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं करेंगे। इस वक्त किस्मत की तब्दीली के लिए शेयर या बांड या दीगर अमूर से फायदा उठाने की कोशिशें माफक भी ना हो सकेंगी। अतारत बुर्ज सरतान के खाना माल में 12 अगस्त तक रहेगा और इसके बाद आपके चार्ट के तीसरे घर में दाखिल होगा। इस दौरान में जहां ये आपकी ख्वाहिशात के मामलात पर मदद आवर असरात मुरतब करेगा, इसी दौरान बुनियादी तौर पर सोशल सरगर्मियों और दोस्ती के मामलात पर भी दबाव डालेगा। इस वक्त में मुश्तरका सरगर्मियों वाले काम लोगों के तावन व मदद से इंशाल्लाह तकमील को पहुंचेंगे। इस दौरान में नए दोस्तों से भी तल्लुकात कायम होगी और जो नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे उनकी बातों और ख्याल से भी आप लुत्फानंदोज होंगे और आपके इजहार ख्याल में भी वसत पैदा होगी जिससे आप अपनी तरफ मतवज्जो हो सकेंगे। अतारत जो कि 3, 9, 14, 29 अगस्त को मुआफ़क नजरात के तहत होगा, लहजा इन तारीखों में सोशल सरगर्मियों सैर तफरी पार्टी फंक्शन नशर वशात से मुतल्लिका काम अंजाम देना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी दौरान में करीबी कारोबारी अफराद के साथ मीटिंग गुफ्तगुशनीद या मुलाकातें भी आपको नई सोच इंशाल्लाह इस वक्त में अता करेंगी। ताहम 16 और 24 अगस्त को अपने प्रोग्रामों में लचक रखें, क्योंकि इस वक्त अतारत गैर मुआफ़क नजरात के तहत होगा। इन दिनों करीबी अफराद और दोस्त नाकाबिले भरोसा हो जाते हैं। सारा मरीख पूरा माह आपके चार्ट के तीसरे घर में मौजूद रहेगा। इस दौरान में रिश्तेदारों, तलीमी मामलात और तहरीरी कामों में गैर जरूरी परेशानी से आपका वास्ता पड़ सकता है। इस माह करीबी रिश्तेदारों के यहाँ भी आपका आना जाना रहेगा। इस दौरान में आपको चाहिए कि आप बड़े अफराद की इज्जत और तजीम को लाजमी करें, क्योंकि करीबी दोस्तों के साथ दौरान सफर झगड़ा भी हो सकता है। इस माह सबसे ज्यादा नजदीकी रिश्तेदार भी आपकी अहमियत अख्तियार कर जाएंगे। नौजवान अफराद खेल कुवत व शुजात वाले अमूर में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे, दिमागी कुवत वाले कामों में ज्यादा मसरूफ रहेंगे, तहरीरी कामों में दिलचस्पी लेकर अखबार या किसी रसाले में शामिल हो जाएंगे, खेल और वर्जिश के जरिए जिस्मानी वान जेनी नशनुमा होगी। मरीख जो कि 5, 10, 14, 19, 28 तारीख को सैर नजरात कैम करेगा, ताहम 17, 23 और 31 अगस्त को
मरीख गैर मुवफ़क़ नजरात के तहत होगा। तो ये थी बुर्ज सरतान वालों के लिए अगस्त 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।